आज हम इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं रस। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब लीजिए जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5PDF को डाउनलोड नहीं किया, आप प्ले स्टोर से 5PDF को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारा 2017 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सज्जन के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सज्जन एक शब्द दिया है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है और बताना है कि चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सतधन जन, सज्जन जन, सतधन जन, सतधन जन, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ये फोर्थ नंबर का है। यहाँ पर जो त दिया हुआ है उसके बाद ज के पहले क्या आ रहा है, अ। यदि त के पहले के बाद अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ये ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, आधा ज बना देंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को चुनिए। इसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पट वाशन चीर, पट वाशन अचीर, पट वशन चीर, पटु वाशन चीर। चीर यानी भी कपड़ा होता है, वशन यानी भी कपड़ा होता है, पट, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, दुरावस्था का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ये एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द दिया हुआ है, इसका हमें शुद्ध रूप बताना है कि इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा, इसको लिखते किस टाइप से। दुरावस्था, दुर्वस्था, दुर्वस्था, ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड पे जो दिया हुआ है ये करेक्ट है। दुरावस्था को इस टाइप से लिखा जाता है, दुर्वस्था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, अंधेरे घर का उजाला मुहावरे का वाक्य प्रयोग निम्न विकल्पों में से कौन सा है। अंधेरे घर का उजाला का मीन होता है एकमात्र सहारा, या हो सकते हैं कि इकलौता बेटा। फर्स्ट नंबर पे दिया राजीव, तू मेरे भाई का एकमात्र सहारा है। सेकंड नंबर पे दिया राजीव, तू मेरे भाई का बड़ा बेटा है। थर्ड है राजीव, तू मेरे भाई का दूसरा बेटा है। फोर्थ नंबर पे लिखा है राजीव, तू मेरे भाई का इकलौता बेटा है। जो इकलौता बेटा जो वर्ड आ रहा है ये अंधेरे घर का उजाला का मीन है, तो राजीव तू मेरे भाई का इकलौता बेटा है, ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फोर इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, इत्यादि के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि एक शब्द दिया है, इसको हमें दो भागों में तोड़ना है, इसका संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर जब भी कोई आधा वर्ड्स होता है वहीं से संधि बनती है, टूटती है, तो कैसे होगा, इत्यधन आदि, इतिधन आदि, इत्याधन आदि, इत्याधन दि। जो ऑप्शन नंबर सेकेंड पे जो दिया हुआ है वो करेक्ट है, इतिधन आदि, इति धन आदि जो आपस में मिलकर बनाते हैं इत्यादि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया हुआ है, अंगारों पर पाव रखना मुहावरे का अर्थ है। हम कह सकते हैं अंगारों पर पाव रखना मतलब मुसीबत गले लगाना, इस टाइप का भी बोल सकते हैं इसका। इसके दिए हुए हैं चार ऑप्शन, इसमें से हमें बताना है कि इस मुहावरे का सही मीनिंग क्या है। नुकसान वाला कोई कार्य करना, बहुत प्रसन्न होना, रहस्य समझ लेना, मृत्यु निकट आना, तो ये कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि नुकसान वाला कोई कार्य करना, जानबूझकर कोई अंगार पे फेर रखेगा मतलब वही तो है कि मुसीबत गले लगाना, और या तो फिर नुकसान वाला कोई कार्य करना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। उपसर्ग, उपसर्ग होते क्या है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द
उपशब्द कहलाते हैं। ऑप्शन क्या दिए है? अचरण, अर्थ, आचरण और मरण। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड में एक दिया हुआ है जिसमें आ लिखा हुआ है आचरण। यहाँ पर चरण जो है वो एक शब्द है और शब्द के पहले क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। यदि उपसर्ग सामने जुड़ रहा है तो नया शब्द बन रहा है, तो ये कौन से इसमें बन रहा है? सिर्फ आचरण में। तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या लिखा हुआ है। यह देखिए अरविंद से शिशुवत कैसे सो रहे हैं, मैं निम्न में से कौन सा लगा रहे। यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उल्लेख अलंकार। उपमा जहाँ पर कंपैरिजन किया जाएगा दो लोगों के बीच में, किसी व्यक्ति वस्तु के बीच में अगर कंपैरिजन होंगे, तुलना होगी, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार किसी व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यहाँ पर जो अरविंद जो है उनकी उनका की तुलना किससे करी है? शिशु से की है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि शिशु वृंद से की है कि वो किसके जैसे सोए हैं, एक छोटे बच्चे की तरह सोए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या दिया है? जिस उपमा में चारों अंश उपस्थित होते वहां होता है। जहां पर उपमा के चारों अंश उपस्थित होता है वहां पर कौन सा होता है, ये हमें बताना है। उपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ लुप्तोपमा उस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, लुप्त रहेगा, चारों अंश तो नहीं रहेंगे। अब पूर्णोपमा दिया है, यहाँ पर पूर्ण वर्ड जो हमें यह बता रहा है कि यहाँ पर पूरे रहेंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या है? जिस उपमा में चारों अंश उपस्थित रहते हैं उसे कहते हैं पूर्णोपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्या दिया हुआ है। जिसमें संदेह ना हो, जिसमें संदेह ना हो उसके लिए वन वर्ड बताना है हमें कि क्या होता है, कि एक शब्द निम्न में से कौन सा है। अग्निग्ध, असंदिग्ध, असंदिग्ध, असंगिग्ध। तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है असंगिग्ध। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? घनश्याम में कौन सा समास है? एक वर्ड दिया हुआ है घनश्याम और यहाँ पर बताना है कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस दिए हुए घनश्याम में कौन सा समास है ये आपको बताना है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। कर्मधारय समास में इसमें क्या होता है? एक पद दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का बीच में लोप होता है। तत्पुरुष समास में बीच में कारक चिन्ह, जब हम संधि समास विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह आते हैं। और अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला जो अक्षर या पहला पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। तो इस जो घनश्याम जो शब्द है उसमें है कर्मधारय समास। घनश्याम, घनश्याम से तात्पर्य है बादल। घन मतलब होता है बादल और श्याम, श्याम मतलब होता है साल। और बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। अपउपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? अभी हमने देखा था कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ने से बनते हैं। यहाँ पर अप जिस भी शब्द के आगे जुड़ा हुआ होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अप्राप्त यहाँ पर अउपसर्ग है, अधि यहाँ पर तो अधि में अउपसर्ग है, आपाधीर में आप है, और अपकार में है अप। तो हमें देखना था कि अपउपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो अपकार दिया हुआ है यही शब्द जो है इसमें अपउपसर्ग का यूज करके बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति
शमू जी मन ही मन रही में कौन सा रस है? ये ऊपर दो पंक्तियां दी हैं, इनमें कौन सा रस है हमें ये बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं अद्भुत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, भयानक रस। अद्भुत रस जिस काव्य सुनने, जिस काव्य को पढ़ने सुनने से हमें आश्चर्य की अनुभूति होती है, अलौकिक दृश्य दिख जाता है, वहां पर अद्भुत रस होता है। और हास्य रस जिस काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से हंसी आ जाती है, वहां पे हास्य रस होता है। श्रृंगार रस जहाँ पर, श्रृंगार रस दो टाइप का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर बिछड़ने का वर्णन होता है वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। भयानक रस जिस रस में भय की अनुभूति होती है वहां पर भयानक रस होता है। तो ये जो पंक्तियां दी है उनमें है अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रस। रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से पाठक श्रोता को जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य में रस का अर्थ है आनंद की अनुभूति। जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, काव्य जैसे कहानी हो गई, एकांकी हो गई, नाटक हो गया, इसको हम पढ़ते हैं तो जो पाठक श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। रसात्मक वाक्य काव्य, इसका अर्थ क्या है? अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही क्या है? काव्य। रस की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी काव्य को पढ़ने सुनने तथा देखने से पाठक श्रोता को जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस की डेफिनेशन क्या है? किसी काव्य को पढ़ने सुनने तथा देखने से पाठक श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के चार अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। रस के चार अंग होते हैं। फर्स्ट होता है स्थाई भाव, स्थाई भाव। सेकेंड होता है विभाव। थर्ड होता है अनुभाव। चौथा होता है संचारी भाव। रस के चार अंग होते हैं स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थाई भाव रस 10 होते हैं और उनके स्थाई भाव भी 10 होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्थाई भाव होते क्या है और इनके टाइप्स क्या है। देखिए रस के चार अंग होते हैं, उसमें से हम देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं स्थाई भाव। स्थाई भाव शौर हृदय में
स्थाई हृदय में स्थाई रूप से विद्यमान भाव को स्थाई भाव कहते हैं, स्थाई भाव कहते हैं। हृदय के हृदय में स्थाई रूप से विद्यमान भाव को स्थाई भाव कहते हैं। हमारे रस वैसे तो 9 टाइप के होते हैं, पर एक दसवां रस उसमें जोड़ा हो गया है, वो है वात्सल्य रस। रस के प्रकार, रस 9 प्रकार का होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा एक क्या हुआ है तो वो हो जाएगी 10। हम देखेंगे रस और उनके स्थाई भाव। सबसे पहले जो रस आता है वो होता है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार का स्थाई भाव होता है रति। सेकंड नंबर पे आता है हास्य रस। इसका होता है हास्य। थर्ड नंबर पे आता है वीर रस। इसका स्थाई भाव होता है उत्साह। भयानक, भयानक का होता है भय। फिफ्थ नंबर पे आता है अद्भुत। अद्भुत होता है आश्चर्य। इस पे आता है रौद्र रस। रौद्र का होता है क्रोध। विभत्स, विभत्स का होता है जुगुप, जुगुप्सा या जुगुत्सा। एट नंबर पे आता है करुण रस। करुण रस का होता है शोक, स्थाई भाव। नाइन्थ नंबर पे आता है शांत, शांत रस। शांत का होता है निर्वेग। दसवें नंबर पे आता है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस उसका हो जाएगा वत्सल। ये हमारे 10 रस है और उनके 10 स्थाई भाव है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव होता है रति, हास्य का हास, वीर रस का होता है उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत आश्चर्य, और रौद्र का होता है क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, करुण रस का होता है शोक, शांत रस का निर्वेग, वात्सल्य रस का वत्सल। ये इनके स्थाई भाव होते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, जनरल हिंदी से, उसमें ये पूछा जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि श्रृंगार रस का स्थाई भाव कौन सा है, पूछा जा सकता है वीर रस का स्थाई भाव कौन सा होता है। स्थाई भाव से क्वेश्चन बनते ही, इसीलिए आपको सारे स्थाई भाव याद होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का आश्चर्य, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, करुण का शोक, शांत का निर्भय, वात्सल्य रस का होगा वत्सल। ये तो हो गए हमारे रस के टाइप और उनके स्थाई भाव। हम सभी रस की डेफिनेशन देखेंगे और उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। सभी रस के एग्जाम्पल से हमें पता होना चाहिए, जैसे आपको अगर एग्जाम्पल की कुछ लाइनें दे दी तो उन पंक्तियों को पढ़कर आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा रस है। यदि आपको इनकी डेफिनेशन लर्न होगी तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि इसमें कौन सा रस है। अब हम देखेंगे विभाव क्या होता है, उसके बाद अनुभव, और फिर देखेंगे संचारी भाव। रस के चार अंग होते हैं, उसमें से हमने देखा स्थाई भाव क्या होता है। अब हम देखेंगे विभाव क्या होता है। विभाव वे कारण होते हैं, विभाव के कारण हृदय में स्थाई भाव जागृत होते हैं।
स्थाई भाव जागृत होते हैं। विभाव के तीन टाइप है, फर्स्ट हमारा होता है आश्रय, सेकेंड होता है आलंबन, थर्ड होता है उद्दीपन। उद्दीपन विभाव के तीन टाइप होते हैं। अब आश्रय क्या होता है? जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं। जिसके हृदय में भाव जागृत होते हुए वो होता है आश्रय, और जिसके कारण हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे बोलते हैं आलंबन। उद्दीपन इसके कारण भाव तीव्र गति से उद्दीप्त होते हैं। विभाव के कारण हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं। विभाव तीन प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन और उद्दीपन। जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, आलंबन जिसके कारण हृदय में भाव जागृत होंगे वो आलंबन, और जिसके कारण हमारे मन में तीव्र गति से भाव जागृत होगा वो होगा उद्दीपन। अब हम देखेंगे विभाव, देख लिया, उसके बाद देखेंगे अनुभव। अनुभव क्या होता है? आश्रय की चेष्टाओं हरकतों या क्रियाकलापों को अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेब देखकर घिग्गी बन जाना, जैसे एकदम से सडनली हमें यदि सेब दिख जाए तो हमारे मन में कुछ फीलिंग्स आती है ऐसा कि या तो हम भाग जाएंगे या तो पकड़ा जाएंगे या तो हमें पसीना छूट जाएगा। तो ये जो सारी हरकतें हो रही है, जो सारे भाव हमारे मन में जागृत हो रहे हैं उससे करते हैं हम अनुभव। फोर्थ नंबर का है संचारी भाव, वे भाव जो आश्रय के हृदय में उठते और लुप्त होते रहते। कुछ भाव हमारे मन में थोड़े टाइम के लिए आएंगे फिर खत्म हो जाएंगे। जैसे हम किसी पे डाउट कर रहे हैं, किसी पे शंका कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम में हम शंका करने लग जाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं ये तो ऐसा ही होगा। तो कुछ भाव ऐसे होते हैं जो मन में आते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं, उन भावों को कहते हैं संचारी भाव। और जो संचारी भाव की जो संख्या है वो होती है 33। संचारी भाव 33 होते हैं। अब हम देखेंगे श्रृंगार रस के बारे में। रस के तीन टाइप्स होते हैं, उसमें से हम फर्स्ट नंबर का देख रहे हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता क्या है? जहां पर स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन होता है वहां पे श्रृंगार रस होता है। या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नायक नायिका के प्रेम का अगर वर्णन हो रहा है जिन पंक्तियों में, वहां पर श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस टू टाइप का होता है, एक तो होता है संयोग श्रृंगार रस और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के प्रकार ये होता है टू टाइप का। फर्स्ट पे आता है संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस जहां पर दोनों के प्रेम का चित्रण होगा, संयोग होगा और वहां पर संयोग श्रृंगार, और जहां पर वियोग, जहां पर दोनों के नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होगा वहां पर होगा वियोग श्रृंगार रस। एक दूसरी डेफिनेशन है श्रृंगार आश्रय के
हृदय में स्थित रति नामक स्थाई भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। आश्रय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से जब संयोग होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक से उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। इन पंक्तियों में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। आज हमने इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसके बाद हमने रस देखे, रस के टाइप्स देखे और रस के अंग देखे। रस 10 प्रकार का होता है, उनके स्थायी भाव देखे, अनुभव विभाव संचारी भाव देखे, जो उसके क्या है रस के अंग है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया, और श्रृंगार रस के डेफिनेशन देखे, एग्जाम्पल देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो बचे हुए रस हैं उनके डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। कंटिन्यू विल बी नेक्स्ट लेक्चर। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे MBBS, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5PDF को डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से 5PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रस को कंटिन्यू करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।